हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 12 पार्ट 2 मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हम देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ना देखिए, फर्स्ट देख लेते हैं लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हम, देखिए सिरप के बारे में क्या होते हैं। देखिए सिरप आर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर्स टू विच मेडिकेशन और फ्लेवरिंग एजेंट्स आर ऑफन एडेड। तो सिरप क्या होते हैं, देखिए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं सुक्रोज और अदर शुगर्स जो होते हैं उनके, ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, उनको कंसेंट्रेट करके बनाई जाती हैं, जिसमें मेडिकेशन मतलब किसी भी पर्पज़ जिस पर्पज़ के लिए उसे दिया जा रहा है वो वाली मेडिकेशन और फ्लेवरिंग एजेंट जो है उनको ऐड किया जाता है। तो देखिए सिरप जो है वो तीन बेसिक क्लासिफाइड की जाती है, तीन बेसिक टाइप से। सबसे पहले होते हैं देखिए सिंपल सिरप्स होती हैं, देन मेडिकेटेड सिरप्स होती हैं एंड फ्लेवर्ड सिरप होती हैं। तो इन सभी के बारे में अभी हम अपने आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले देखिए सिंपल सिरप के बारे में हम देख लेते हैं। अभी हमने जो तीनों ही सिरप देखी थी तो उसमें सिंपल सिरप क्या होती है, देखिए सिंपल सिरप इज़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। तो सिंपल सिरप क्या होती है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होती है सुक्रोज की प्योरीफाइड वाटर में। द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इज 66% W/W। तो ये कंसनट्रेशन होती है शुगर की इसमें, तो ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप देख लेते हैं कैसे बनाई जाती है। सिंपल सिरप देखिए इस तरह से की होती है सिंपल सिरप, जब प्रिपरेशन होती है तब अकॉर्डिंग टू बीपी सिंपल सिरप इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 kg ऑफ रिफाइंड शुगर टू 500 ml ऑफ बॉइलिंग डिस्टिल वाटर एंड हीटिंग अंटिल इट इज डिजॉल्व्ड एंड एडिंग बॉइलिंग डिस्टिल वाटर अंटिल द वेट ऑफ द होल्ड इज 1.5 kg। तो देखिए स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि सिंपल शुगर सिंपल सिरप जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। 1 kg ऑफ रिफाइंड शुगर जो है उसको 500 ml बॉइलिंग डिस्टिल वाटर जो है उसमें डिजोल्व किया जाता है और फिर पूरा है पूरा जो पूरा मिक्सचर है उसका वेट बना लिया जाता है 1.5 kg बाय एडिंग बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो देखिए सिंपल सिरप प्रिपेयर की जाती है, देन इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें मेडिकेशन ऐड कर दी जाती है तो ये मेडिकेटेड सिरप बन जाती है। प्लस बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे देखिए केक प्रिपरेशन इंडस्ट्री होती है या बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पर सिरप रिक्वायरमेंट होती है, सिरपी सॉल्यूशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन जगहों पर इस सिंपल सिरप को प्रिपेयर किया जाता है। ना देखिए अब देख लेते हैं मेडिकेटेड सिरप्स के बारे में। तो क्या होती है, देखिए इस तरह की सिरप्स, मेडिकेटेड सिरप्स आर एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग शुगर एंड एटलीस्ट 1 वाटर सोल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो देखिए इस तरह की सिरप्स में क्या होता है, ये एक्वा सोल्यूशन होती है शुगर का, जैसे हमने देखा था सिंपल सिरप जो होती है उसी की तरह की होती है। प्लस और क्या किया जाता है इसमें, एटलीस्ट 1 वाटर सोल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको ऐड किया जाता है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, देखिए किसी भी तरह का जो डिसीज़ होती है, अगर पेशेंट को कफ है या बुखार है या पेन है, तो इस तरह की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको ऐड कर दिया जाता है इस तरह के सिरप में, जिससे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाए। तो देखिए ये शुगर, इसमें शुगर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, बिटवीन 65-67% होती है शुगर की कंसंट्रेशन मेडिकेटेड सिरप्स में। तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे अभी हमने बताया मेडिकेटेड कफ सिरप्स आते हैं, पैरासीटामोल सिरप्स आते हैं, आइबुप्रोफेन सिरप्स आते हैं, तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, देखिए अलग अलग सिरप्स में, इसमें कफ सिरप में जो कफ रिलीफ देने वाले एजेंट जो हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। देन पैरासीटामोल सिरप्स में जो बुखार के लिए यूज़ होते हैं उसमें पैरासीटामोल ऐड कर दिया जाता है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, एंड आइबुप्रोफेन सिरप में आइबुप्रोफेन ऐड कर दिया जाता है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। सो इस तरह की सिरप्स होती हैं देखिए ये। ना देखिए अब आती है फ्लेवर्ड सिरप। तो क्या होती है, देखिए फ्लेवर्ड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप टिपिकली कंसिस्ट अ सिंपल सिरप दैट इज़ शुगर फुल्ली मिक्सड विद वाटर वाइल हीटेड विद नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियली सिंथिसाइज फ्लेवर दैट आर ऑल्सो डिजॉल्व इन दैम। तो देखिए सिंपल अगर हम देखें क्या होती है फ्लेवर्ड सिरप, तो देखिए सिंपल सिरप जैसे बनाई जाती हैं सेम उसी प्रोसेस से पहले सिंपल सिरप प्रिपेयर की जाती है, देन उस सिंपल सिरप में नेचुरली अकरिंग फ्लेवर्स या आर्टिफिशियली सिंथिसाइज फ्लेवर जो है उनको ऐड कर दिया जाता है, जिससे इस तरह की फ्लेवर्ड सिरप जो है वो फॉर्म हो जाती है
हैं। तो फ्लेवर्ड सिरप जो है उसको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारे प्लेसेस में जैसे यूज़ किया जाता है और मिक्स किया जाता है, फिर कार्बोनेटेड वाटर्स में इसको यूज़ किया जाता है, देन कॉफ़ीज़ में, पैनकेक्स में, वेफर, टी, केक, आइसक्रीम एंड अदर फूड्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लेवर्ड सिरप्स को। ना देखिए सीरप्स जो है उसमें बहुत सारे एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो देखिए शुगर पॉलियोल्स होते हैं सीरप्स में, जैसे ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, तो इस तरह के एजेंट प्रेजेंट होते हैं शुगर्स इसमें सीरप्स में। देन देखिए ये जो है ये वाले जितने भी एक्सिपिएंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, मोस्टली प्रिजर्वेटिव्स पूछे जाते हैं जो कि सीरप्स में यूज़ होते हैं। देखिए जैसे पैराबेंस यूज़ होते हैं, बेंजोएट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHT एंड सोडियम मेटाबाइसल्फा फाइट यूज़ होता है सिरप्स में, देन एसिड जैसे सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है सिरप्स में प्रिवेंट करने के लिए, रिक्रिस्टलाइजेशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड, देन बफरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, देन फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्लेवर एनहांसर्स ऐड किए जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं एंड इथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है 3-4% वॉल्यूम में। तो ये कुछ एक्सिपिएंट्स थे जो कि शुगर्स जो कि सिरप्स में ऐड किए जाते हैं। ना देखिए अब देख लेते हैं लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में एलिक्सर्स के बारे में। अभी तक हमने सिरप्स के बारे में बहुत कुछ देखा। ना देखिए एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर होते हैं स्वीट, क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। तो एक तरह के प्रिपरेशन होते हैं जो कि हाइड्रो अल्कोहलिक होती है नेचर में और इसको इंटेंड किया जाता है ओरल यूज़ के लिए। ना देखिए मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, मेन एजेंट जो होता है इसमें वो इथेनॉल एंड वाटर होता है। और कौन कौन से एजेंट इसमें ऐड किया जाता है, देखिए ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंड सिरप्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको प्रिपेयर करने से पहले के लिए, इसमें इन सारे ही एजेंट जो है उनका एडिशन किया जाता है। देन देखिए मेडिकेटेड एलिक्सर जो होते हैं वो यूजुअली उसमें एक तरह की पोटेंट ड्रग प्रेजेंट होती है जैसे एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव्स। तो देखिए ये भी दो तरह के होते हैं एलिक्सर, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, मेडिकेटेड होते हैं, अभी हम अपनी आगे वाली स्लाइड पर देखेंगे। तो मेडिकेटेड एलिक्सर जो होती है उसमें पोटेंट मेडिकेशंस को ऐड किया जाता है जैसे एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव्स। ना देखिए अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि सिरप्स एंड एलिक्सर्स में क्या डिफरेंस होता है, एक ही तरह के प्रिपरेशन है बट कुछ डिफरेंस होता है इसमें, तो वो अभी हमने अपने आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एलिक्सर्स और सिरप्स के बीच में। ना देखिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर्स। तो सिरप्स क्या होते हैं, देखिए अभी हमने देखा था ये एक तरह के एक्वस, कंसेंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होती है शुगर और नॉन शुगर सब्सटीट्यूट की। बेसिकली शुगर ही प्रेजेंट होती है इसमें एज अ सब्सटीट्यूट, नॉन शुगर सब्सटीट्यूट बहुत कम ही ऐड किए जाते हैं। एंड देखिए विद और विदाउट एडिशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट होता है इसमें एंड ऑल्सो द मेडिकेशन। अगर हम दूसरी तरफ एलिक्सर्स में देखें तो देखिए क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो एक तरह की हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है जहाँ सिरप जो होती है जो कि एक्वस पूरी तरह वाटर प्रेजेंट होता है, जहाँ वहीं दूसरी तरफ एलिक्सर जो है उसमें हाइड्रो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, मींस वाटर एंड अल्कोहल दोनों ही प्रेजेंट होता है एलिक्सर्स में। दूसरे डिफरेंस अगर हम देखें तो देखिए सिरप्स में फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो ऐड करे भी जाते हैं और नहीं भी किए जाते हैं, सिंपल सिरप्स भी प्रिपेयर की जाती हैं। अगर दूसरी तरफ हम एलिक्सर्स में देखें तो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने ही पड़ते हैं उसकी पैलेटेबिलिटी, ताकि पेशेंट उसको ईजिली ले सके, तो उसकी पैलेटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए फ्लेवर्स को ऐड करना कंपलसरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एलिक्सर्स में। अगर दूसरा और डिफरेंस देखें तो यूजुअली सिरप जो है वो मोर स्वीट होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एलिक्सर, सिरप जो है वो मोर विस्कस होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एलिक्सर्स एंड सिरप और क्या होते हैं मोर इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एलिक्सर्स। तो ये इस तरह के देखिए कुछ डिफरेंस होते हैं सिरप्स एंड एलिक्सर्स के बीच में। देखिए अभी हम देख लेते हैं टाइप ऑफ एलिक्सर्स। तो अभी हम जैसे हमने बताया था कि दो तरह की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड होती हैं, मेडिकेटेड होती हैं। तो देखिए नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स क्या होते हैं, ये यूजुअली नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट की तरह, उनको यूज़ किया जाता है एज अ व्हीकल की तरह फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर्स। तो एक तरह का ये बेस कह सकते हैं हम, मेडिकेटेड एलिक्सर्स के बेस होते हैं नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको डिसॉल्व किया जाता है इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन
15-50% बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल और वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे अभी हमने देखा था एलिक्सर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको ऐड किया जाता है ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 15-50% बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट हो। मेडिकेटेड एलिक्सर अलग अलग तरह के होते हैं, देखिए 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में इसको दिया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट एंड मिसलेनियस, तो और बहुत सारे तरह के मेडिकेटेड एलिक्सर जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। सो नेक्स्ट देखिए थर्ड देख लेते हैं लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, लिंक्टस के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं लिंक्टस। लिंक्टस आर विस्कस लिक्विड और एन ओरल प्रिपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीफ ऑफ कफ। तो ये जो है एक तरह के देखिए विस्कस लिक्विड होती हैं, ओरल प्रिपरेशन होती हैं, बेसिकली जनरली इसको क्यों दिया जाता है, कफ में रिलीफ पाने के लिए, कफ रिलीफर की तरह इनको दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन देखिए क्या होता है, दे कंटेन मेडिकेशन विच हैव डिमल सेंट सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। तो ये देखिए लिंक्टस जो है इसमें इस तरह की मेडिकेशन प्रेजेंट होती हैं जो कि डिमलसेंट सिडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट एक्शन प्रोवाइड करती हैं। डिमलसेंट क्या होता है, देखिए एक तरह के ये एक तरह का ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जो थ्रोट में इरिटेशन हो रही होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन होती है उसको प्रिवेंट करता है, एक तरह की प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिसके कारण इरिटेशन जो है वो प्रिवेंट हो पाती है। तो इस तरह का एजेंट प्रेजेंट होता है लिंक्टस में, डिमलसेंट सिडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट एक्शन वाले एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन द व्हीकल यूज्ड इन लिंक्टस इज सिंपल सिरप। तो देखिए जैसे हमने बनाया था सिंपल सिरप प्रिपरेशन अभी आपको दिखाया था, तो वो देखिए यहाँ भी यूज होता है लिंक्टस जो है उसकी प्रिपरेशन में भी उसको यूज़ किया जाता है एज अ व्हीकल। देन देखिए लिंक्टस जो है शुड बी टेकन इन स्मॉल डोज, सिप्ड और स्वॉलोड स्लोली विदाउट डायल्यूटिंग इट विद वाटर इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन मेडिकामेंट्स। तो ये जो है लिंक्टस जो है वो स्मॉल स्मॉल डोज में लेना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में सिप करना चाहिए, इसको डाइल्यूट नहीं किया जाता है वाटर के साथ, इसको ऐसे ही लिया जाता है जिससे कि इसका एक्शन जो है वो मैक्सिमम प्रोवाइड हो सके। देन ग्लिसरीन जो है वो ऐड किया जाता है लिंक्टस इस तरह के प्रिपरेशन में, ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है इस प्रिपरेशन को स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज डिमल्सेंट इफेक्ट जो है वो भी होता है ग्लिसरीन में। तो इस तरह का तो ग्लिसरीन जो है उसको ऐड किया जाता है लिंक्टस में। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स लिंक्टस के बारे में देखिए आप देख लेते हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लिक्विड में ड्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होती हैं ड्रॉप्स, ड्रॉप्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ड्रॉप्स जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं, तो इंटरनल में उनको ओरली यूज़ किया जाता है। देखिए वाइटामिन ड्रॉप्स बेसिकली वाइटामिन एंड एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है वो इस फॉर्म में दी जाती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो और क्या होता है देखिए जनरली वाइटामिन एंड एंटीबायोटिक्स ड्रॉप जो है दे आर गिवन बाय मीन्स ऑफ ड्रॉप्स, तो उनको ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जाता है। देन द ऑयल सोल्यूबल विटामिन सच एज विटामिन ए एंड डी कंसंट्रेट इन फिश लिवर ऑयल आर प्रेजेंटेड एज ड्रॉप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जैसे अभी बताया था कि बेसिकली जो विटामिन ड्रॉप्स हैं उनको दिया जाता है विटामिन ए ड्रॉप्स, विटामिन डी और अलग अलग तरह के विटामिन ड्रॉप जो है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है इस तरह की फॉर्म में जिससे कि पेशेंट इजिली उसको ले सके। सो नेक्स्ट ना देखिए लास्ट देख लेते हैं लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रॉचेस होते हैं, क्या होते हैं देखिए ड्रॉचेस। ड्रॉचेस इट इज़ द सिंपल सॉल्यूशन विच कंटेन अ सिंगल डोज। तो देखिए इस तरह के सिंपल सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सिंगल डोज प्रेजेंट होती है। देन क्या होते हैं देखिए ईच डोज इज सेंड इन सेपरेट बॉटल, और हर डोज जो है उसको एक सेपरेट बॉटल जो है उसमें सेंड किया जाता है जिसका टोटल वॉल्यूम है जो है वो 50 ml से ज़्यादा नहीं होता, 50 ml तक होता है टोटल वॉल्यूम। देन इट दिस इज एसेंशियल टू बी लेबल्ड विथ स्टोरेज कंडीशन ऑन ड्रॉचेस। तो ड्रॉचेस पे ये एसेंशियल होता है कि उसकी स्टोरेज कंडीशन जो है उसको ज़रूर मेंशन किया जाए उसके लेबल पे, वो एसेंशियल होता है। देन इट इज़ गिवन वेरी अर्ली एक्सपायरी डेट। तो देखिए इसकी बहुत ही शॉर्ट एक्सपायरी डेट होती है, 48 hours की, 2 days की इसकी एक्सपायरी डेट होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें क्या होती है देखिए ड्रॉचेस, एपिकाकुआना इमेटिक ड्रॉच दी जाती है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के लिए, एंड देखिए पैराल्डिहाइड ड्रॉच दी जाती है। तो देखिए बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी होती है इनकी, सिंगल डोज में प्रोवाइड की जाती है, 50 ml इनका वॉल्यूम होता है। तो ये देखिए ये था कुछ पॉइंट्स थे ड्रॉचेस के बारे में।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 12 पार्ट 3, जिसमें हम मोनोफेजिक लिक्विड्स फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए. अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं. ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं. दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले वीडियो में.